मध्य प्रदेश के सागर के रैली में भी अब नेताओं और जनप्रतिनिधियों के पोस्टर फाड़ अभियान शुरू हो चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ पर नेताओं और जनप्रतिनिधियों के पोस्टर फाड़ने जनता ही आगे आ रही है। ऐसी ही एक तस्वीर सागर के रैली बस स्टैंड से जुड़ी है। होटल सागरिन की नई सौगात, रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे, अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। दरअसल यहां लंबे समय से आवास की किस्त नहीं मिलने पर नगर पालिका के चक्कर काट रहे एक शख्स की जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने गुस्से में आकर रैली बस स्टैंड के राजीव मंच पर लगे फ्लेक्स में से नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी की फोटो को ही फाड़ दिया। इसके बाद घबराया हुआ युवक अध्यक्ष महोदय के यहाँ माफी मांगने पहुँच गया। बताया जा रहा है कि युवक के साथ मारपीट भी की गई है। फिलहाल पुलिस के हस्तक्षेप के बाद युवक को थाने लाया गया, जहाँ समझाइश के बाद उसे घर भेज दिया गया। अब नगर पालिका हमने देखो तीन बेर 181 हमने फोन लगा, तीन बार तीन में लगा तुम्हें एक हफ्ता क्या क्या बेचारा बताए बात। अब आप आ रही हो संतुष्टि क्या देगी हमारे तीन हफ्ता के बाद आए उस समय हम भी आप रहते जब क्या अब नहीं आए तो के बाद हमारी सुनी गई है हमें गुस्सा सर आई यार हम कब तक आ गए हम कब तक करोगे हमसे गलती यह हो गई हमने सर गुस्सा करी हमने कही जो पदार्थ अध्यक्ष हैं हमारे वार्ड नंबर 7 के हैं सर बात करती वार्ड नंबर 7 में हो तो हम खुद गए पापा हुआ है हमारे हमारे पापा तक गए इनकी ना सुनी सो क्या करें यार। बहरहाल मध्य प्रदेश के सागर के रैली में भी अब नेताओं और जनप्रतिनिधियों के पोस्टर फाड़ अभियान की शुरुआत हो गई है और यहां जनता ने ही नेताओं और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बगावत कर दी है। खैर इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी का कहना है कि युवक द्वारा एक वर्ग विशेष के फ्लेक्स को फाड़ा गया है जिस पर लोगों में काफी आक्रोश था। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीति का हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। रैली से आसू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।